है hey, नमस्ते दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शशि फोर और आपको पता ही है इस महीने मतलब अप्रैल के महीने में हांगकांग फेयर होगी मे बी मे बी इन दिड ऑफ एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है मतलब बहुत जल्दी हांगकांग फेयर शुरू होती है तो बहुत सारे अपने देसी लोग अपने इंडियंस हांगकांग आते हैं तो हांगकॉन्ग आने से पहले और हांगकॉन्ग में क्या क्या करना चाहिए वो भी बजट में इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्लीज आप एंड तक देखिए थोड़ा माफ करना भाई लोग मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूं हम हिंदुस्तानी बोलते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले हांगकॉन्ग आने के लिए इंडियन पासपोर्ट के लिए वीजा फ्री है बिल्कुल एक पैसे भी नहीं देना है किसी को मैंने सुना है इंडिया में कुछ एजेंट लोग दस हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं हांगकॉन्ग वी, हांगकॉन्ग वीजा लगवाने के लिए वो टोटली फ्रॉड है आप फ्री में कर सकते हैं सिंपल आप गूगल में प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हांगकांग इंडियन पासपोर्ट ऐसे टाइप कीजिए वो आपको तुरंत एक हांगकॉन्ग गवर्नमेंट के एक वेबसाइट को लेके जाएगी वहां पे जाकर आप, आप जो भी है ना प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है जो जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है ना जो भी आपके पासपोर्ट जो डिटेल्स है बिल्कुल एप्पल टू एप्पल आपको इनपुट करनी पड़ती है क्योंकि वो इमिग्रेशन हांगकॉन्ग इमिग्रेशन चेक, तो करते है लोग जो भी फॉर एक्जाम्पल आपका एड्रेस है लाइक like 16 डैश ए तो डैश हाइफन है ना उसका नहीं तो नहीं लेगी अगर आपको एरर आ गई तो आप लिखिए मान लो आपका पासपोर्ट इश्यू बैंगलोर है और वहां पे आपने बेंगलुरु लिखा है फिर तो प्रॉब्लम होगी तो जो आपके पासपोर्ट में है बैंगलोर है तो आपको बैंगलुरु ही एंटर करना पड़ेगा कलकत्ता है तो आपको कलकत्ता ही एंटर करना पड़ेगा कोलकाता वो एक्सेप्ट फिर आपको हांगकांग इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहाँ के इमिग्रेशन के ऑफिसर्स को पता नहीं है कोलकाता और कलकत्ता बेंगलुरु और बैंगलुर क्या मतलब उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है तो दे ओनली कंपेयर एप्पल एप्पल टू दे विल कंपेयर सो so ये जो आप ये ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरते हैं ना खाली खाली पांच मिनट का काम है और वो उस फॉर्म में आपको पूछती है तो आप हांगकॉन्ग क्यों आ रहे हैं या आप चाइना आ रहे हैं तो आप अगर आप चाइना आ रहे हैं तो आप लिखिए ट्रांसिट और हांगकॉन्ग आ रहे तो आप लिखिए किस काम के लिए आप हॉन्गकॉन्ग आ रहे तो लिखिए हांगकॉन्ग एग्जीबिशन और जितने आपके पास बजट है लिखिए आप लग पचास हज़ार इंडियन रुपीज़ या एक लाख या दस लाख इंडियन रुपीज़ जो भी है आप उस पर इनपुट कीजिए उस पर कोई चेक क्रॉस चेक नहीं करेगा करेंगे वो लोग ठीक है हांगकाग में आ, सबसे पहला हांगकांग बहुत महंगा है तो इससे पहले आप क्या कीजिए हांगकॉन्ग एयरपोर्ट में आप खाली एक सौ या दो सौ हांगकॉन्ग डॉलर

उस बिल्डिंग में आपको हर इंडियन चीज अपने देशी भैल वहां पे भरे हुए आपको पूरे मिलेगा पार्ले जी बिस्किट से लेकर पान पराग तक आपको सब कुछ अपना देसी वाला आइटम मिलती है वो भी सस्ते में और वहां पे आपको एक्सचेंज करो हांगकांग डॉलर्स जितने भी जितने पैसे आपके पास उतना आप एक्सचेंज कर सकते हो वहां पे मान लो आपके पास एक हजार यूएस डॉलर है या दो हजार जितना है उतना वहीं पे आप एक्सचेंज करो और हांगकांग से आप अगर आपको चाइना आना है तो चाइनीज यूएन चाहिए तो वहीं पे आप हांगकॉन्ग डॉलर टू तो चाइनीज वहीं पे पे आप एक्सचेंज कर लो क्योंकि वहां आपको रेट भी मिलता है और वहां पे कोई फेक कोई फेक करेंसी कुछ भी नहीं है ठीक है इसके बाद सी में खाने का बहुत महंगा है अगर कोई आप KFC में जाओ या मैकडोनल्ड जाओ आपको जितना वो प्राइस है मान लो एक थर्टी या फोर्टी हांगकॉग डॉलर में आपको बहुत कम छोटी वाले बर्गर मिलती है उससे पेट हमको बिल्कुल नहीं भरती है इसीलिए उसी चुनकिंग में ग्राउंड फ्लोर में आप जाइए वहां पे

वहाँ पे नॉर्थ इंडियन भी फूड मिलेगा आपको और साउथ इंडियन भी फूड मिलेगा बंदा है है तमिलियन है और बहुत बढ़िया हिंदी भी बोलता है उसका नाम है गणेशन और मेरा नाम बताइए उसको आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है वहाँ पे तो याद रखिए उस रेस्टोरेंट का नाम अरई कुड़े अक्का अरई कुड़े अक्का उसका मैंने डाला डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप उसको कॉन्टेक्ट करो और वो आपको हांगकॉन्ग टूर गाइड या मतलब बजट वाला होटल भी आपको दिलवाने के लिए आपको मदद करेगा ठीक है इसके खाने खाने पीने का इंतजाम के बाद आपको हांगकॉन्ग में ज़रूरत है शॉपिंग मैक्सिमम हांगकॉन्ग में शॉपिंग जो है इस टाइप का स्मार्टफोन्स ठीक है मैंने हांगकॉन्ग में बहुत रिसर्च करके करके मैंने एक दुकान ढूंढ लिया है उसका नाम है वंडर डिजिटल करके एक दुकान है उसको पूरा डिटेल्स और उस बंदे का व्हाट्सअप फ़ोन नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाकर आप फोन खरीद लो एक बिल्कुल हांगकॉन्ग से सबसे सस्ती वाली फ़ोन वहीं पे मिलती है और प्राइस भी बहुत कंपेयर टू अदर अदर शॉप्स इन हांगकॉन्ग उसका प्राइस कम है तो वहाँ पे जाकर आप बार्गेनिंग मत करो क्योंकि वो बंदा का प्राइस ऑलरेडी ग्राउंड लेवल है मतलब एकदम एकदम लो लेवल प्राइस है तो आपको मतलब कम करेगा तो मतलब दस या बीस हांगकॉन्ग डॉलर कम कर कर सकता है तो मैं मैं कहता हूँ बार्गेन मत करो क्योंकि जो आपको फ़ोन पसंद है और वो फ़ोन ले लो और मेरा नाम बोल दो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है वो भी कम और कुछ फ्री गिफ्ट मतलब वो फ़ोन का जो बैक कवर है मैं ए ये फोन वहीं पे लिया था मैंने आ, अपना और सैमसंग एस एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा वहीं पे लिया था मैंने बहुत सस्ते में मिला था मुझे इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया मैंने आप चेक करो ठीक है तो वहाँ पे जाकर आप फ़ोन के अलावा आपका अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपको ई चेक करना है या ब्लड प्रेशर चेक करना है और इलेक्ट्रिकल शेवर्स है और हेयर ड्रायर्स एकदम ओरिजिनल और गारंटी वाला माल बहुत ही सस्ते में जो उस दुकान में आपको पूरे के पूरा हंड वन हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल है जो भी फेक नहीं है कुछ भी नहीं है और वहाँ चाइना से ज़्यादा वहाँ पे स्मार्टफोन लेने का स्मार्टफोन लेने का फ़ायदा ये है वहाँ पे आपको जो स्मार्टफोन है उसको ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर वगैरह सब इंग्लिश वर्जन वाला प्री रहती है अगर आप चाइना में लिया तो आपका गूगल वर्जन या सॉरी गूगल प्ले स्टोर जो भी आप इंस्टॉल करेंगे ना थोड़ा बाद में कुछ वो प्रॉब्लम करेगा वो अपडेट नहीं हो पाएगा वो कुछ कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाती है और बाय डिफॉल्ट जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करनी है तो वो पूरा वो चाइनीज वाला वेबसाइट को लेके चले जाती है अगर आप हांगकॉन्ग में लिया तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी और हांगकॉन्ग में जो भी अपने अपने फोन लेगा ना वो फ़ोन इंडिया में आराम से काम करेगा उससे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि मैंने इस फोन लेकर ऑलमोस्ट एक साल हो गया मैं इसको इंडिया में लेके आया था मैंने तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक और मैं टिप दे देता हूँ जो भी लेटेस्ट मॉडल है जो भी एकदम दिन मार्केट में अभी भी रिलीज हुआ है ना वो थोड़ा महंगा रहता है उससे एक स्टेप अब कम ले लो अभी सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी फोर चल रहा है वो बहुत महंगा है और एकदम वो हॉट है अभी तो उससे एक स्टेप कम ले लो एस ट्वेंटी थ्री ले लो नहीं तो एस ट्वेंटी टू ले लो ज्यादा फर्क नहीं है एस ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में ज्यादा फर्क नहीं है हॉर्डर में वो सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड किया है और कुछ ए आई वाला सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल किया है तो, तो अभी आप एस ट्वेंटी टू लेंगे ना तो आपको बहुत ही बहुत सस्ता मिलेगा तो ये ये मेरा फंडा है तो मैं हमें हमेशा मैं लेटेस्ट मॉडल में नहीं लेता हूँ क्योंकि जब इस फोन को मैं ले, लेने के टाइम पे एस ट्वेंटी थ्री का जस्ट रिलीज हुआ था इसीलिए मैंने एस ट्वेंटी टू ले लिया इसलिए मुझे बहुत सस्ता मिला मुझे फ़ोन और ये फ़ोन भी ओरिजिनल है बढ़िया है इसका रिजल्ट और इसके अलावा बहुत सारे फोन है उसके उसके पास उस बंदे के पास सेकेंड हैंड फोन भी है आप सेकेंड हैंड होल सेल का भी डील कर सकते हो या फर्स्ट हैंड भी वो इंडिया को भी वो शिपमेंट करेगा वो बंदा तो आप जा, जाए जाइए वहाँ पे आपको कौन सा मॉडल चाहिए कितना पैसा चाहिए उससे आप नेगोशिएट करो वो बंदा आपको मदद करेगा क्योंकि वो बंदा बहुत ही जरूर है कोई फेक नहीं है कुछ भी नहीं है ओके okay, दोस्तों इतने एक आपके लिए छोटा सा वीडियो मतलब हांगकॉन्ग में बजट लाइफ कैसे करने के लिए तो कुछ यानी कुछ सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो मैं जरूर आप, आपको मैं आई गेट बैक टू यू अंटिल देन टेक केयर बाय जय हिंद